आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त खबरों का। देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सहित गलत नीतियों के विरोध में आज कांग्रेस की पार्टी के द्वारा राष्ट्रव्यापी धरने का आयोजन किया गया। रीवा में कांग्रेस ने यह धरना कमिश्नर कार्यालय के सामने दिया, जहां कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। साथी को ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हम सब आने वाले चुनाव में जब भी कोई चुनाव आएगा इसी तरह एकजुट होके। और कई घंटे तक चले इस धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र भी सौंपा है, जिसमें कहा गया कि केंद्र एवं राज्य सरकार गरीब जनता को लूट रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में आटा दाल से लेकर हर चीज पर टैक्स लगाया गया है और दाम बढ़ाए गए, जिसकी मार सीधे आम जनता के ऊपर पड़ रही है। कमिश्नरी कार्यालय के सामने किए जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा भाभा सहित जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू व त्रियुगी नारायण शुक्ला सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि महंगाई एवं भ्रष्टाचार के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा देशव्यापी धरने का आह्वान किया गया, जिस पर रीवा शहर सहित सभी ब्लॉकों में धरना देकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि इन्हीं मुद्दों को लेकर बीते दिवस आम आदमी पार्टी के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। देखा जा रहा है कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बाद अब सभी विरोधी पार्टियां सड़क पर उतर कर विरोध दर्ज करा रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी, GST अभी जो बढ़ लगाया तुरंत इनने, रोटी कपड़े और कफन में भी लगा दिया इनने GST, उसके विरोध में, अग्निपथ योजना के विरोध, इसके सब विरोध में आज ये राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन है। और रीवा जिले में कमिश्नरी ऑफिस से लेके और गांव-गांव हमारे जो हर ब्लॉक मुख्यालय हैं, जो हमारे विधानसभा मुख्यालय हैं, हर जगह इस तरह का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित। ज्ञापन कमिश्नर राष्ट्रपति महोदय के नाम से कमिश्नर के यहाँ हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी? ये लड़ाई तो निरंतर जारी रहेगी, जब तक जनता को निजात नहीं मिल जाती इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, इस भ्रष्टाचार से। जनता सब कुछ समझ रही, देख रही, लेकिन ये इस तरह की जो वातावरण पैदा किया जा रहा है, अभी आपने देखा इसके पहले गंगा साहब, पता नहीं कितने अभियान इन्होंने चलाया होगा, अभी चला दिया है तिरंगा अभियान, तिरंगा लगाइए। ये राष्ट्रद्रोही जो अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे हैं, वो तिरंगा लेके गली गली घूमेंगे, एक माहौल बनाएंगे। ये कभी नहीं करेंगे कि जो बेरोजगारी को रोजगार लेके जाए। भाई हर घर में रोजगार पैदा करें, रोजगार दें उनको, महंगाई कम करें, ये काम ये नहीं करेंगे। क्या ये भाजपा का घोषणा है क्या? क्या ये भाजपा का घोषणा है? भाजपा का घोषणा नहीं, इसके अलावा क्या है? भाई आप ये बताएं, मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी जो कह के आए थे वो किए नहीं कभी। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर आदमी जो होगा तो इतने एम्स, इतने अस्पताल, हर चीज़ खोल देंगे हम। कहाँ खोला मोदी ने? जबकि जनता ने नोटबंदी कर दिया उल्टे, जबकि जनता ने, मोदी ने जो कहा वो जनता ने किया। मोदी ने कहा दीपक जला दो, दीपक जला दिया। मोदी ने कहा दीपक बुझा दो, दीपक बुझा दिया। लेकिन उस जनता को क्या सिला दे रहे हैं? ये जो हमारा भविष्य, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, वो करेंगे क्या? GST लगा के जी आप रुपया वसूल रहे हो, किसके लिए वसूल रहे हो? क्या आपने इतने दिनों में 2008 से लेके 2014 से लेके अभी तक एक भी रोजगार स्थापित किया?